हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। तो देखिए, होता क्या है कि एक छोटा बच्चा होता है जो कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है। तो उसकी माँ उसको स्वामी विवेकानंद जी के पास लेके जाती है और उनको कहती है कि ये मेरा बेटा है और ये बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है जो कि इसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो स्वामी जी आप इसे समझाइए कि ये चॉकलेट ना खाए, उनको छोड़ दे। तो स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, आप एक महीने बाद आना, तब मैं इसे समझाऊँगा। तो लेडी चली जाती है और एक महीने के बाद दोबारा वापस आती है। जब वो दोबारा वापस आती है तो स्वामी जी बच्चे को समझाते हैं कि देखिए, चॉकलेट है ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। अब ये बात सुन के लेडी को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये बात तो यार पहले भी कही जा सकती थी। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, ये बात तो आप एक महीने पहले जब आई थी उस दिन भी कह सकते थे, आपने एक महीना क्यों लगाया, एक महीने बाद बुला के सेम बात क्यों कही? तो स्वामी जी ने उसका जवाब दिया कि उस दिन मैं खुद चॉकलेट खाता था। तो देखिए, स्टोरी का मोरल ये है कि जो चीज़ हम खुद करते हैं हम दूसरे को वही रेकमेंड कर सकते हैं। जो चीज़ मैं खुद नहीं कर रहा हूँ वो मैं दूसरे को करने के लिए नहीं बोल सकता। और इसीलिए देखिए, मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं वर्कशॉप से रिलेटेड, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे। तो उसमें एक प्रोमिनेंट मैसेज ये होता है कि सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर मेरी वर्कशॉप है लेकिन स्ट्रैडल के ऊपर नहीं है। स्ट्रैडल को लेके लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि मैं स्ट्रैडल के ऊपर वर्कशॉप कब लेके आऊँगा, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। तो देखिए, स्ट्रैडल को ट्रेड करने में मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं आप लोगों को वही चीज़ बताता हूँ जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। अब स्ट्रैडल है वो मेरी कोई बहुत फेवरेट स्ट्रैटजी नहीं है, उसको जब मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ? ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, मैं करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट स्ट्रैटजी नहीं है, इसीलिए उस पर आज तक कोई वर्कशॉप नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बताता हूँ वो मैं खुद करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ मैं खुद नहीं करता वो मैं आप लोगों को भी नहीं बताता। अब ये पॉइंट कहाँ से निकल के आया है उसका मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, काफ़ी टाइम से और व्हाट्सएप के ऊपर मैं इनएक्टिव था। व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस कर रहे होंगे लेकिन आपको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होगा। तो कल व्हाट्सएप को हमने ओपन किया एंड वी आर ओवरवेल्म विद योर मैसेजेस, इतने सारे मैसेजेस आए, वी आर फ्लडेड विद द मैसेजेस। और मेजोरिटी मैसेजेस उनमें वर्कशॉप से रिलेटेड थे कि वर्कशॉप कब होगी, इससे रिलेटेड आपके सवाल थे। तो देखिए, आप लोगों को इतना सारा वेट करना पड़ा, आपकी क्वेरीज थी, इतने दिनों तक पेंडिंग थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं इसको लेके आने वाला हूँ, इस वजह से वहाँ पे मैं बिजी था और आपकी जितने भी क्वेरीज थी वो इतने टाइम से पेंडिंग थी, उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को इतना वेट करवाना पड़ा। तो क्योंकि आप लोगों को मैंने इतना वेट करवाया है, तो अगले 3 दिन के लिए और आपके लिए एक ऑफर है कि जितनी भी वर्कशॉप हैं उन पर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, जितनी भी वर्कशॉप्स हैं उन पर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा परसों तक, मतलब आज, कल और परसों, 3 दिन के लिए ऑफर है। क्योंकि मैंने आपको इतना वेट करवाया है, ऑलमोस्ट 1 महीने तक आप लोगों ने वेट किया है और मुझे नहीं आइडिया था कि आप लोगों की इतनी क्वेरीज आएंगी, आप इतना वेट कर रहे होंगे वर्कशॉप्स का। तो इसीलिए ये ऑफर आप लोगों के लिए है कि अगले 3 दिन तक और वर्कशॉप्स के ऊपर 30% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। चलिए, अब आज के टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि मैं जो स्ट्रेटजीज ट्रेड करता हूँ वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, अगेन, जो मैं स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूँ उन्हीं पर मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ। तो जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली ये वही स्ट्रेटजीज हैं जिन पे मेरी वर्कशॉप आती हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई जो स्ट्रेटजी है ये मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। आयरन फ्लाई क्या है? ये एक मॉडिफाइड वर्जन है स्ट्रैडल का। स्ट्रैडल होती है ये नेकेड होती है। तो आयरन फ्लाई जो है, अगर आप स्ट्रैडल के हैजेज लगा दोगे, स्ट्रैडल के दोनों तरफ आप प्रोटेक्शन लगा दोगे, तो जो स्ट्रैडल है वही एक आयरन फ्लाई बन जाती है। तो स्ट्रैडल के साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आयरन फ्लाई को मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो आयरन फ्लाई में क्या होता है, मान लीजिए एट द मनी का आयरन फ्लाई आप ट्रेड करते हो, तो क्या करोगे, एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसको आप सेल कर दोगे, पुट ऑप्शन है उसको आप सेल कर दोगे, और फर्दर आउट द मनी में जाके और आप दोनों तरफ प्रोटेक्शन बाय कर लोगे। तो जब आप प्रोटेक्शन बाय करते हो तो एक स्ट्रैडल है वो एक आयरन फ्लाई बन जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रैटजी है आयरन फ्लाई। उसके बाद आती है आयरन कोंडोर। आयरन कोंडोर है ये एक मॉडिफाइड वर्जन है स्ट्रैंगल का। स्ट्रैंगल में क्या होता है, हम एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करते हैं। अब अगर मार्केट उस रेंज में रहा तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट उस रेंज के बाहर जाता है तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जो आउट द मनी का आपने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल किया है उससे फर्दर आउट द मनी में जाके और आप हेजेस बाय कर लोगे। मतलब एक स्ट्रैंगल की अगर आप प्रोटेक्शन बाय कर लेते हो तो ये एक आयरन कोंडोर बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल के अगर आप हेजेस बाय कर लोगे तो ये एक आयरन फ्लाई बन जाएगी, और स्ट्रैंगल है उसके अगर आप हेजेस बाय कर लोगे तो ये एक आयरन कोंडोर बन जाएगी। चलिए, तो ये 2 स्ट्रैटजी होगी। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रैटजी की, और तीसरी स्ट्रैटजी है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दिए, एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। नेकेड जब आप सेलिंग करते हो तो होता क्या है, आपका रिस्क है वो तो खुल जाता है,
लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। स्ट्रैंगल है ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें आपका प्रॉफिट है वो सबसे जल्दी आता है। अगर मार्केट थोड़े दिन भी आपकी रेंज में रहा तो आपका प्रॉफिट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। जब आप हेजेस बाई कर लेते हो तो ये आपकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो आएगा लेकिन लेट आएगा, जबकि स्ट्रैंगल में आपका प्रॉफिट है वो जल्दी आ जाता है, लेकिन वो किस कॉस्ट पे आ रहा है कि ये एक ओपन स्ट्रेटजी है, आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है अगर मार्केट यूनि डायरेक्शनली ऊपर या नीचे जाता है। तो स्ट्रैंगल है अगली स्ट्रेटजी जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ और इसके ऊपर मैं वर्कशॉप भी कंडक्ट करता हूँ। तो तीसरी स्ट्रेटजी होगी स्ट्रैंगल। अब बात करते हैं चौथी स्ट्रेटजी की। चौथी स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड है वो करंट मार्केट में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट स्ट्रेटजी है अभी के मार्केट में, क्योंकि विक्स है ये इतनी कम है, तो इस लो विक्स एनवायरमेंट में सबसे एक्यूरेट स्ट्रेटजी अगर कोई है तो वो है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड। तो कैलेंडर स्प्रेड है ये स्ट्रेटजी अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ये आपको लो विक्स में ट्रेड करनी चाहिए। जब मार्केट में विक्स कम हो वहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको ये करना चाहिए। और इसका बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि यहाँ पर वैसे तो एक नेट डेबिट स्ट्रेटजी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों चीज़ मिलती है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग वाली। ऑप्शन सेल हम क्यों करते हैं, ताकि थीटा डीके मिले, तो यहाँ पर आपको थीटा डीके भी मिलेगा। और ऑप्शन बाइंग हम क्यों करते हैं कि वेगा है उसको हम लॉन्ग कर रहे हैं, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़े तो उससे हमें प्रॉफिट हो, और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है तो क्योंकि वॉलेटिलिटी का नेचर है ये मीन रिवर्टिंग होता है, तो जब मार्केट में कम वॉलेटिलिटी होती है तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी। तो बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी से भी हमें प्रॉफिट हो और थीटा डीके की वजह से भी हमें प्रॉफिट हो, ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक ही स्ट्रेटजी में हमें चाहिए। वैसे अलग अलग होते हैं, एक ऑप्शन बाइंग में मिलता है, एक ऑप्शन सेलिंग में मिलता है, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड है ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें दोनों एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। तो लो विक्स में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्प्रेड। तो फोर्थ जो स्ट्रेटजी है मेरी वो है कैलेंडर स्प्रेड, जो मैं खुद बहुत ट्रेड करता हूँ और जिस पर मैं वर्कशॉप भी कंडक्ट करता हूँ। अगली स्ट्रेटजी है डायगोनल स्प्रेड। डायगोनल स्प्रेड होती है ये बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है आयरन कॉन्डोर का। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, हमारे जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो तो डिफरेंट होती हैं लेकिन एक्सपायरीज होती हैं वो सेम होती हैं। वहीं पर डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, हमारी एक्सपायरीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और जो हमारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो डायगोनल स्प्रेड है ये थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटजी है, समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है, लेकिन लो विक्स में ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो अगली स्ट्रेटजी है डायगोनल स्प्रेड। तो ये पांच स्ट्रेटजी हैं जो मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, स्ट्रैंगल, कैलेंडर स्प्रेड एंड डायगोनल स्प्रेड। ये पांचों स्ट्रेटजी मैं खुद बहुत ट्रेड करता हूँ और इसीलिए इन पे मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ। तो कल जब हमने व्हाट्सएप को ओपन किया और आपके मैसेजेस का इतना एक समंदर आया जहाँ पे आपकी ज़्यादातर क्वेरीज थी वो वर्कशॉप से रिलेटेड थी, इसीलिए क्योंकि आपने एक महीने तक वेट किया है, आपको कोई भी जवाब नहीं मिला था, तो एज ए मार्क ऑफ अपोलॉजी आप समझ लीजिए कि अगले 3 दिन तक और आपको इन सभी वर्कशॉप पे और 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए, अगर आपको कोई भी वर्कशॉप चाहिए, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो और आपके कोई भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।